हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। देखो कुछ रिपोर्ट्स ना ऐसी होती है कि हालांकि उनके ऊपर बात करना ठीक नहीं होता, लेकिन मेरे को लगा कि थोड़ा ना बात कर लेते हैं इसके ऊपर। हो सकता है कि आपके कानों में भी ये न्यूज़ पड़ गई हो। एक्चुअल में क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ जो है वो मार्केट में घूमी और उसका नाम था कि अक्षय कुमार जो है भूलभुलैया 3 में कैमियो करेंगे, या फिर उनका एक जो करेक्टर है वो कैमियो होगा। जो लोग हैं वो अलग अलग थ्योरीज बना रहे थे और उनका ये कहना था कि भूलभुलैया जो पार्ट 1 था उसके अंदर लीड रोल में अक्षय कुमार थे, विद्या बालन थी, और उनका हो सकता है जो करेक्टर है उसको आगे बिल्ड किया जाए, क्योंकि विद्या बालन इसके अंदर भी हमको दिखेंगे भूलभुलैया 3 के अंदर, क्योंकि भूलभुलैया 2 में कार्तिक आर्यन को रिप्लेस कर दिया गया था अक्षय कुमार की जगह। अभी भूलभुलैया 3 के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर हमको तृप्ति डिमरी, विद्या बालन, कार्तिक आर्यन सर देखने को मिलने वाले हैं, और इसकी जो स्टोरी लाइन होगी वो क्या होगी मेरे को भी नहीं पता। हो सकता है अगस्त के लास्ट तक या फिर सितंबर के स्टार्टिंग पॉइंट में ही हम लोगों को भूलभुलैया 3 का टीजर जो है वो देखने को मिले। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आखिर अक्षय कुमार इस फिल्म का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, कि इसके अंदर उनका कैमियो होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर उन्होंने खुद ही कन्फर्मेशन दिया है। जब रूमर्स उठते हैं तो कभी कभी जो कुछ चीज़ें हैं वो कांड कर देती हैं। न्यूज 18 के हिसाब से अगर बात करें तो उन्होंने अप्रोच किया अक्षय कुमार को और उन्होंने बोला कि इस चीज़ को आखिरकार क्लेरिफाई आप कर ही दीजिए कि ये जो पंगे चल रहे हैं क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा कुछ नहीं है, कोई कैमियो वैमियो नहीं होने वाला है, ये एकदम सरासर फेक न्यूज़ है। अक्षय कुमार सिंघम अगेन में दिखेंगे, जो कि रोहित शेट्टी की फिल्म है। सिंघम जो मूवी की एक सीरीज है उसका ये हिस्सा है। उसके बाद में जॉली LLB 3, उसके बाद में वेलकम टू द जंगल, उसके बाद में हाउसफुल 5, कई सारी फिल्में अक्षय कुमार सर के पास हैं और हो सकता है ये सारी की सारी ब्लॉकबस्टर आने वाले टाइम में हो भी जाए। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यार जो लोग थ्योरी अपने दिमाग में ऑटोमेटिक सेट कर लेते हैं, एक चीज़ मेरे को ये बताओ आप लोग कि उनका कैमियो क्यों होगा। यार मेरे को एक चीज़ बताओ आप, क्योंकि अगर मेकर्स को उनको रखना होता तो वो सीधा सीधा उनको रखते। अब ऐसा तो है नहीं कि अक्षय कुमार एक ऐसा करेक्टर है कि जिसको नए तरीके से इंट्रोड्यूस करना है किसी चीज़ के अंदर। कैमियो का मतलब क्या है, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं ना कि भाई हाँ उनको वो बचाने आ जाए या कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि यार देखो, लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक अकेला ऐसा एक्टर जिसने की पूरी फिल्म को अपने कंधे पर उठा के रखा, हालांकि वो फिल्म कॉपी थी लेकिन ठीक है चलता है। लेकिन फिर भी अक्षय कुमार सर की भूलभुलैया 2 के साथ जो कांड हुई उसके बारे में यार हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस मेरे को इतना पता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अपने आप ही लोगों को सोच लेनी चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि भूलभुलैया 2 या फिर 3 जो है, भूलभुलैया एक ऐसी फिल्म थी जिसको ब्लॉकबस्टर हुई थी उस टाइम पे, जिसको ब्लॉकबस्टर बनाया था अक्षय कुमार ने या फिर ऑडियंस ने, तो उस टाइम पे उस फिल्म ने इतना पैसा कमाया, उसके बाद में भूलभुलैया 2 से उनको आउट कर दिया गया। अब क्या रीज़न थे उसके बारे में मैंने ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं की है, तो मैं कुछ खास एक पुख्ता सबूत आपको नहीं दे पाऊँगा या कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा। लेकिन मेरे को इतना पता है कि यार मेरे को लगता है कि अक्षय कुमार जो है अगर भूलभुलैया में करेंगे तो मैं लीड ही करेंगे, नहीं करेंगे वो कैमियो, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी भैया पैसा बोलता है वो तो पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, हो सकता है कैमियो कर भी दें। अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।